नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक कार्य का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहाँ हैं और कहाँ रहेंगे, इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपने? देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक कार्य का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहाँ हैं और कहाँ रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि लोकसभा से पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको चुनाव तो महागठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। जहां तक आपने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात, तो नीतीश कुमार का अपना तरीका है, वो ताश के पत्तों के तरह नेताओं को अपने पार्टी में ऊपर नीचे करते रहते हैं। और यही वजह है कि 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में कभी कोई एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाया ही नहीं। किसी को लाते हैं, उससे काम निकाला, मान लीजिए 14 में हम पर उन्होंने दाव लगाया, हमको लेकर आए, घोषणा कर दिया कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, यही आगे रहेंगे, 14 में चुनाव जीत गए, उसके बाद सोचते अच्छा प्रशांत किशोर कहीं बड़ा ना हो जाए तो इसको हटा के अब दूसरे को बढ़ाओ। बिल्कुल मलाल नहीं है, आप हमको नहीं जानते हैं। हम जीवन में वो लोग नहीं हैं जो किसी निर्णय पर मलाल करें। हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जीवन में जो आप काम करते हैं उसके अगर उसमें आपको कुछ गलती हो जाए तो उससे दो रास्ते आपके पास है। एक, आप अपने निर्णय और अनुभव के आधार पर सीख सकते हैं, सीख कर आगे जीवन में गलती न करें ये कर सकते हैं, या उसका मलाल कर सकते हैं। हम मलाल करने वाले लोग नहीं है। एक बार नीतीश कुमार ने अगर धोखा किया, उसके बाद नीतीश कुमार चाहे 20 बार हमारे पास आ गए, कितनी बार बात कर ली, कितने संदेश भेजवा दिए, हमने कह दिया कि अब फिर सियार सर्कुल के नीचे नहीं जाएंगे, हमको चाहे 1 बरस लगे कि 10 बरस लगे, अब नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन बनाए, इस बार आपको पता चला जब बनाए तब, तो हमको आकर मार्च में 6 महीना पहले आकर सबसे पहले हम ही से सलाह किया कि भाई अब महागठबंधन बनाना चाहते हैं, आप इधर आ जाइए, आप तो भाजपा के खिलाफ हमारी मदद करना चाहते थे। उस समय भी हमने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं आ सकते हैं, आपको जो करना है वो कीजिए, हम अपनी नई व्यवस्था ही बनाना चाहते हैं।